जय श्याम खाटू बाबा महाराज की। खाटू श्याम जी के लिए गुलाब चढ़ता है बाबा जी को। खाटू श्याम बाबा की ना कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है, कैसे ना गुलाब बाबा के मंदिर में फेंक रहे। जय श्री श्याम। यहाँ से निकल गए इस रास्ते से। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल मेरे भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इस समय भी हम राजस्थान में, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग निकले थे भैया खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए, और खाटू श्याम बाबा के ना जहाँ से गाड़ी जहाँ पे खत्म होती है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ तक ही गाड़ी आती है, और इसके आगे या तो आप पैदल जाओ ठीक है, या तो यहाँ से ना आपको बैटरी रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। तो अपन लोग ना यहाँ से चल रहे हैं पैदल, और आपको ना थोड़ा पैदल मार के भी यात्रा करवाते हैं। अभी तक तो हम लोग गाड़ी में ही आए थे ना। देखो पैदल यात्रा करने के लिए ना वैसे ये लेंटर वाला रोड बना हुआ, और इस पे लेकिन मिट्टी डाली हुई है ताकि भाई लोग जितने भी पैदल यात्रा करें ना उनको तकलीफ ना हो। तो भाई साहब देखो यहाँ पे अंकल जी भी आ रखे व्हील चेयर पे आए हुए, तो भाई साहब देखो श्रद्धा ही है, लोग मतलब जैसे भी होता है ना आते हैं भाई। और देखो भाई हमारे साथ में अमित भाई भी है। अमित भाई गुड मॉर्निंग। जय खाटू श्याम। और भाई वैसे अपना ना कोई प्लान नहीं था, मतलब कल तक तो कोई प्लान नहीं था कि अपने को जैसे जाना है, मतलब पहले ऐसे कई एक दो बार मौका मिला लेकिन जा नहीं पाए थे। लेकिन कल भाई मेरे को ना भाई का फोन आया अमित भाई का कि भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई घर पे, वहाँ से छुट्टी है। तो भाई कह रहे कि चलो आपको ना खाटू श्याम को दर्शन करा के लाते हैं। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, क्योंकि मैं ना कभी ऐसे किसी जगह के लिए मना नहीं करता अगर मेरे पास टाइम होता है तो। मैं कहा ठीक है, और अमित भाई के साथ तो वैसे ही बहुत मजा आता है। तो हम चल दिए, और देखो आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। कोई प्लान नहीं था, मतलब कल तक कोई प्लान नहीं था कि अपन लोग जाने वाले हैं ऐसे। अब देखो ऐसी जगह पे आया, मुझे नहीं पता था यार खाटू श्याम भगवान के जो मंदिर है ना वहाँ पे इतनी रौनक है। क्या वाइब है यार, यहाँ पे इतने लोग आ रखे हैं, और आपको पूरे में ना ऐसे झंडे झंडे देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई साहब ये भी अटैक कर अरे नहीं भाई साहब, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय श्री श्याम। अरे भाई साहब ये गुलाब किस लिए बेच रहे हो भाई, ये गुलाब बेचने वाली जगह थोड़ी यार ये। अच्छा बाबा जी के लिए गुलाब चढ़ता है। अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता था भाई। अमित भाई गुलाब चढ़ता है बाबा को, पता नहीं चढ़ता। हाँ सही बात है। और भाई साहब ये ना झंडे का क्या सीन रहता है, देखो आप जितने भी झंडे देख रहे हो ना लोगों के हाथों में, ये झंडा वहाँ पे मंदिर में चढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर आपको घर भी लेना, आप घर भी ले जा सकते हो। और झंडे में आपको ना ऊपर एक गठरी सी बंदी दिख रही होगी, इसमें एक छोटा सा ना एक नारियल लगा हुआ है जो कि प्रसाद के रूप में ना मंदिर में ही चढ़ता है। हमने झंडे लिए 150 रुपए के, लेकिन जैसे जैसे ना बिल्कुल मंदिर के पास पास आते रहोगे सस्ते होते रहेंगे। और यही जो झंडा हमने, जो झंडा हमने 150 का लिया ना यहाँ पे इस जगह पे, झंडा 100 रुपए का मिला ना अमित भाई। और आपके वाला 100 का है, आपका वाला 70 का मिला। हाँ लोग अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को भी साथ में लेके आए हुए हैं। क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है भाई, इधर इतने सारे लोग आ रखे हैं भाई साहब, मजा आ गया भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहले क्यों नहीं आया इस जगह पे। आप ना पगड़ियां बांधनी जा रही है क्योंकि राजस्थान में आए हो, तो भैया राजस्थान की वाइब तो जरूरी है ना, तो यहाँ पे हम लोग भी ना पगड़ी बंधवा लेते हैं। देखो भाई अमित भाई तो बैठ के पगड़ी बांधने के लिए, कितने की भाई पगड़ी है? 100 रुपए की। बांधो भाई, ले आओ झंडा इधर ले आओ। भाई साहब वाइब चेक करो यहाँ पे यार, बड़े सही लग रहे यार, मस्त लग रही है पगड़ी इनकी। बांधो तो भाई। चलो यार पगड़ी भी बंधवा ली है, 100 रुपए लिए इस पगड़ी बांधने का। मैंने पहली बार में कोई ऐसी पगड़ी बंधवाई, बड़ी अच्छी लग रही है। बताओ अब ये आ गया सामने श्री श्याम सरनम भाई, ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर मतलब मंदिर स्टार्ट हो जाएगा अब। और यहाँ पे अभी भाई थोड़ी फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवाते हैं साथ में भाई जी। ये ना यहाँ पे एक मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है मंदिर में। और यहाँ पे देखो गेट में सारे देवी देवताओं की ना मूर्तियां लगी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां लगी हुई हैं पूरे गेट पे देखो।
ये भाई ना बिल्कुल लेट लेट के ना मंदिर तक जाएंगे शायद, और नारियल इन्होंने एक साथ में लिया हुआ है, और ऐसे लेट लेट के ना ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं। क्या बात है भाई, भाई साहब ये देखो यहाँ पे लोगों को सांप दिखा दिखा के पैसे मांग रहे। ठीक है भाई, जिसका जैसा रोजगार चल रहा है वो चला रहा है, लेकिन भाई साहब मेरा तो मानना यही है कि आप जिस चीज से रोजगार ले रहे हो ना, मतलब उस चीज के साथ में कभी गलत मत करना। मैंने ऐसा सुना है कि ये जो लोग ना ये सांप वगैरह दिखाते हैं ना, पालते हैं या खेल दिखाते हैं, वो इसके ना दांत वांत तोड़ देते हैं, उसके जो विष की थाली होती है वो निकाल देते हैं, जिससे ये लोग ना मतलब सांप वगैरह ये लोग ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना ही रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे साथ में भैया जी चल रहे, भैया अरे इधर देखो ये गुलाब किसके लिए ले जा रहे हो? खाटू श्याम जी के लिए। गुलाब चढ़ता है बाबा जी को? अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो सामने खाटू श्याम बाबा की ना कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है, तो अभी जाते टाइम ना हम भी एक मूर्ति लेके जाएंगे घर के लिए, अपने मंदिर में हम लोग भी खाटू श्याम बाबा को रखेंगे। तो सामने आप रास्ता देख रहे हो ना, ये वापसी का एग्जिट का रास्ता है, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भाई साहब क्राउड देखो कितना हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे ना यहाँ पे काफी लोग आते हैं, इतना भाई साहब क्राउड है। और इस जगह पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह कोई कुछ अलाउड नहीं है, बस पैदल ही आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। बाकी आपको ना यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएगी, जो अगर आपको अंदर प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। और ये देखो भैया यहाँ पे अमित भाई ना सामने प्रसाद ले रहे हैं, तो चलते हैं। तो चलो भाई बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना बाबा को ना ये पिंजरी आप देख रहे हो, ऐसे पिंजरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और सामने आप देख रहे हो ऐसा मेवा बना हुआ है, तो ये मेवे का और ये पिंजरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले तो वैसे बाबा को ना अंदर मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता था। भाई जी मंदिर में चढ़ता है अंदर प्रसाद? अच्छा हम चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगा, क्या बात है। करो चेक करो, आप चेक करो क्यों भी प्रसाद में ले आते हैं, ये पिंजरी ले जा रहे हैं। और भैया ये क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, चूरमा? बेसन का चूरमा। ये बेसन का चूरमा, तो ये है 200 रुपये का आधी किलो, और ये है 100 रुपये का आधी किलो। बिल्कुल मेन मंदिर के पास में आ गए, और जैसे बिल्कुल मंदिर के पास में आए ना, भीड़ देखो भाई कितनी बढ़ गई है। और यहाँ पे देखो अंकल जी कंधे पे अपने बच्चे को घुमा रहे हैं। ऐसा अभी मंदिर यहाँ से लगभग ना 1 किलोमीटर दूर है, और देखो यहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो गई है, अभी आखिरी छोर है बिल्कुल। अमित भाई तो आगे चले गए। झंडे वगैरह ना सारे इन्होंने यहीं पर रखवा लिए, कह रहे हैं अंदर अलाउड नहीं है, तो यहीं पे धर दिए हैं। भाई ये उसके बाद मिल जाएगा दर्शन के बाद? हाँ भैया दर्शन यहीं मिलेगा ना। चलो ठीक है भाई, हम तो लेके आए थे कि घर में झंडा लेके जाएंगे, लेकिन मंदिर में अंदर अलाउड नहीं है, देखो सबसे यहीं रखवा ले रहे हैं झंडे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारा यहीं जमा करना है भाई। ठीक है आएंगे भाई। आना वापसी इसी रास्ते से होता है? नहीं नहीं भैया घूम के आना पड़ेगा। घूम के आना पड़ेगा दोबारा? अरे बाप रे। यहाँ से भाई ये ना अंदर के लिए लाइन स्टार्ट हो गई है ग्रिल वाली, और ऐसी काफी सारी ग्रिल लगी हुई है भाई, देखो कितनी पब्लिक है भाई इधर। भाई साहब इनसेन। अब ये भाई लोग यहाँ पे ग्रिल में चढ़ के प्रसाद बेच रहे हैं। भाई प्रसाद बेच रहे हो क्या? बढ़िया है भाई, मतलब जिसको जहाँ मौका लग रहा है ना व्यापार कर रहा है भाई साहब, जब ही करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया नहीं। अच्छा ये जितने भाई इधर बैठे हैं ना ऐसे, इनकी साइडों में दुकानें हैं,
तो ग्रिलों की वजह से कोई दुकानों तक पहुंच नहीं पाएगा, तो लोग ना ऐसे आके ना आगे ग्रिलों पर बैठ बैठ के आगे ऐसे सामान बेच रहे हैं। देखो ये भाई लोग ऐसे ग्रिल पर बैठे हुए, ऐसी ना बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगा रखी है जिनपे ना आपको लाइव बाबा के ना दर्शन भी होते रहेंगे। कितने का भाई ये मोरपंख? 20 का। ये भी धरवा तो नहीं लेते हैं अंदर, घर ले आके जा सकते हैं? झंडे तो रखवा लिए हमारे सारे। और भाई साहब ये सामने देखो ऊपर, भाई ये पंखा है, ऐसे लग रहा होगा ना आपको कि ये यहाँ पे सपोर्ट के लिए ग्रिल को लगाने लगा हुआ है, लेकिन भाई ये इतना बड़ा पंखा तो मैंने कभी नहीं देखा भाई। देखो पंखे काफी सारे लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और पीछे भी लगे हुए हैं। अमित भाई ये क्या ले लिया? इत्र लिया, गुलाब लिया। तो ये इत्र और गुलाब दोनों चढ़ाया जाता है क्या पापा को? जी वो जो सामने आप देख रहे हो ना ये बोर्ड लगा हुआ है, जो बड़ी सी ये व्हाइट कलर की टीन है ना, इसके नीचे ही मेन जो मंदिर है ना अंदर वहाँ तक है। और ये देखो एक लोग यहाँ से निकल गए इस रास्ते से और बाकी लोग इस रास्ते से निकलेंगे। भाई साहब क्राउड देख रहे हो कितना क्राउड है यहाँ पे ना, डेली इतनी भीड़ रहती है। सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है भैया? मतलब अगर सैटरडे संडे को इतने लोग आ रखे ना तो भाई वीक डेज में भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे। देखो मंदिर तो मैंने बहुत विजिट करे पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी ना काफ़ी सारे मैंने मंदिर देखे, लेकिन जो यहाँ का मैनेजमेंट है ना भाई साहब बहुत सही इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छे से। मतलब कोई हपड़ा थपड़ी नहीं है, कोई कूड़ा करकट, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से भाई साहब मैनेजमेंट हो रहा है। और ऐसी ना 16 लाइनें बनी हुई है, जैसी लाइन देख रहे हो एक ऐसी 16 लाइन बनी हुई है, तो कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से आधे घंटे में ना आपके बढ़िया से दर्शन हो जाएंगे बाबा के। पहले ना अंदर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं था, तो ऐसे ना लाइनों के साथ में ऐसे बॉक्स बने हुए, तो यहाँ इत्र चढ़ाएं, यहाँ प्रसाद चढ़ाएं, ताकि लोग ना अंदर जाके इधर उधर प्रसाद ना डाल दें, इसलिए ऐसे मैनेजमेंट के लिए ये बनाया हुआ भाई। उन्होंने अपने गुलाब वगैरह भी ना यहीं पर चढ़ाए हुए हैं, ये देखो। तो भाई ये सामने मंदिर है, बाकी अंदर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी तो मैं आपको यहीं तक दिखा रहा हूँ, इसके बाद ना मैं कैमरा बंद कर लूँगा। और कई लोगों ने तो तमीज से यहाँ पे गुलाब रख दिए हैं, लेकिन कई लोग ना ऐसे देखो इस तरीके से ना गुलाब बाबा के मंदिर में फेंक रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है भैया अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना हिसाब है। ये देखो भाई साहब गुलाब फेंके जा रहे हैं, ऐसे गुलाबों की बारिश हो रही है इधर। तो भाई साहब आप सभी लोगों को जय श्याम खाटू बाबा महाराज की। तो भैया देख लो सामने से ना आप दर्शन कर लो, यहाँ से हमारे सामने बाबा जी हैं। चले भाई साहब पीछे देखो कितना गुलाबों का ढेर लगा हुआ है ये पीछे की तरफ, और यही गुलाब दोबारा मार्केट में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो भाई साहब जो झंडों में आप लोग नारियल लेके आते हो ना वो यहाँ पे इस तरीके से चढ़ जाते हैं। तो भाई साहब हमारे ना बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, तो एक बार ना बाबा का नारा भी लगा देते हैं, जय श्री श्याम। चारों तरफ देखो भाई गुलाब ही गुलाब हो रखे हैं। कितने लोग आते हैं ना यहाँ पे, मतलब 50-60% लोग ना गुलाब लेके आते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद गुलाब ने ऐसे इस तरफ चढ़ जाते हैं। भैया जी कैसा लगा? अमित भाई अच्छा लगा, दर्शन हो गए बढ़िया? बहुत बढ़िया, क्या बात है, धन्यवाद अमित भाई आपका, आपने हमको फोन किया कि भाई चलने के लिए। तो अमित भाई की वजह से हम लोग को बुलावा आया, वैसे बुलावा तो बाबा का ही आता है लेकिन माध्यम कोई होता है, तो अमित भाई इस बार माध्यम थे हमारे यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो चलो भाई ये देखो एग्जिट है, जितने भी लोग दर्शन करने के बाद बाहर आए ना तो सारा यहाँ जमावड़ा लग गया है, तो सामने से लोग अंदर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जितने लोगों का दर्शन हो गया ना वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे क्राउड देखो भाई, देखो कुछ भाई ना यहाँ पे धागा बेच रहे हैं, और यहाँ पे ना इस पेड़ में इस तरीके से लोग धागा बांध रहे हैं। भाई ये क्यों बांधा जाता है धागा? हाँ कोई मान्यता है? क्या मान्यता है? आपकी इच्छा हो? इच्छा, ठीक है, मतलब वैसा कोई ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ठीक है लोग बांध रहे तो बांध रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। अच्छा क्या बात है, चलो भाई भगवान करे सारी जितने भी लोग ये विश मांग के धागा बांध देना, सब सबकी विश पूरी हो, सबकी मान्यताएं पूरी हो, जितना लोग सोच के आए हैं, जो सोच के आए ना सबकी मनोकामना पूरी हो भाई साहब। जय खाटू श्याम भाई जी, जय खाटू श्याम। तो भाई जी ये वाला व्लॉग भी ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में ना हम यहाँ की मार्केट दिखाएंगे, जिसमें ना हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, मतलब कितनी महंगाई है, कैसा क्या क्या सामान खरीदने वाला है, और आपको पूरी ना मार्केट दिखाते हैं, क्योंकि ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया और मैं ना कुछ भी ना इस व्लॉग में से काटना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें लिमिटेड शूट किया और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शूट करी हैं, तो जितना कुछ आपको यहाँ पे आसपास में ना सब कुछ दिखाएंगे।
Boo-boo-boo.